बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th की है, बुक के बैक साइड पे जो न्यूमेरिकल दिए हैं चैप्टर 1 के। इससे पहले मैंने वीडियो बना दी है, जो बुक की एग्जांपल के न्यूमेरिकल्स हैं, स्टार्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, वो अच्छे से आप वीडियो देख लेना, क्योंकि बुक के न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट दिए हैं एज़ कम्पेयर टू एग्जाम्पल। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल जो बुक के बैक साइड पे दिए हुए हैं बुक में न्यूमेरिकल वो करने बैठोगे थोड़े से मुश्किल लगेंगे, सही है। लेकिन वीडियो अच्छे से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जरूर जाएंगे। शुरू के न्यूमेरिकल पहले बुक के अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद देन ये करो, आपको इंशाल्लाह अच्छे से न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ये चैप्टर लर्निंग से रिलेटेड कुछ नहीं, इस चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशन है। इस चैप्टर के नोट्स एक दो दिन में मैं अपलोड कर दूंगा और बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो नोट्स वगैरह के लिए, हर चीज़ के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो इससे ये होगा कि जब भी न्यू वीडियोज़ और चैप्टर्स की आएंगी, बाकी सब्जेक्ट्स की आएंगी, तो आपको मिलती जाएंगी, सही है। तो अपने लेक्चर के ऊपर आते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो क्लास फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, चैप्टर 1। मैं हेडिंग डाल देता हूँ चैप्टर नंबर 1, और ये बुक के बैक साइड वाले न्यूमेरिकल है, बुक न्यूमेरिकल, सही। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सवाल पे क्या दिया हुआ है, डेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है, मोल्स मालूम करने, सिंबल में लिखना चाहो तो एन होता है मोल्स का सिंबल, और मॉलिक्यूल्स निकालने। मॉलिक्यूल्स के लिए लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरा, सही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फेट 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अब ये एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो क्वेश्चन बन गए, ये एक सेपरेट पार्ट समझोगे, ये एक सेपरेट पार्ट आप कैलकुलेट के लिए रखोगे, सही है। तो डेटा साथ ही बन जाएगा। आपको मास गिवेन है, किसका, मास ऑफ कार्बन डाइसल्फेट CS2 38 ग्राम, और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सुक्रोज C12 H22 O11, ये दिया हुआ 68.4 ग्राम, सही। डेटा कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन पे आते हैं। आपको निकालना जो है वो है मोल्स और मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा पार्ट 1 है, ये मेरा पार्ट 2। पहले मैं पार्ट 1 की दोनों चीज़ें निकालूंगा, फिर पार्ट 2 की दो चीज़ें निकालूंगा, सही है। आपको निकालना क्या है वो देखो, आपको पहले चीज़ निकालनी है मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपके पास मॉलिक्यूलर मास आपने नहीं निकाला, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसका, कार्बन डाइसल्फेट का CS2 का, सही है। कार्बन का 12 होता है, सल्फर का होता है 32, यहाँ 2 सल्फर है, 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64, ये आ गया 76, ये आपका आ गया, सही है। अगर मोलर मास में लिखते हो तो ग्राम यूनिट यूज़ होता है, और अगर आप इसको मॉलिक्यूलर मास में लिखते हो तो AMU यूज़ करते हो, सही। मोलर मास में लिख रहा हूँ इसलिए ग्राम में लिख रहा हूँ। अब आपको मोल निकालना है, तो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ऊपर, मास CH2 का दिया 38 ग्राम, आपके पास मोलर मास इसका आया 76 ग्राम। आपने इन दोनों को कैलकुलेटर में डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, देखो 38 डिवाइडेड बाय 76, ये आ गया 0.5, तो मैंने लिख दिया 0.5। मोल के लिए आगे लिखते हैं MOL, या MOLE पूरी लिख सकते हो। पहली वैल्यू आपके पास जो पूछी थी वो आ गई, ये आपका एक आंसर। आंसर को हाईलाइट बनाने से ये होता है कि एग्जामिनर की नज़र भी होती है, और जब आप रिवीजन करो या आपको पता हो कि क्या है तो आपको समझ आ जाए, यहाँ पर आंसर निकले, सही है, हाईलाइट करने में फ़ायदा होता है। सेकंड चीज़, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपके पास मोल्स मौजूद हो तो आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है। मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी फॉर्मूले लिखे थे, अगर आपने किसी से फॉर्मूले नहीं लिखे तो ये फॉर्मूले अपने पास मेंशन कर लो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, एन मल्टीप्लाई बाय एन ए। सबसे पहली वीडियो मैंने जो बुक एग्जांपल की है ना, अगर उसको देख लो तो उसमें फॉर्मूला की डिटेल्स दी है मैंने। तो मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या लगेगा, एन मल्टीप्लाई बाय एन ए। एन की वैल्यू तो आपके पास है ऊपर 0.5, एन ए की वैल्यू आपको याद रखनी है, डेटा में मेंशन कर लो तो अच्छी बात है। एन ए होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है, सही है। तो इसकी जगह लिखूंगा 6.02
10^23। साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप पूरी वैल्यू चाहते हो पूरी वैल्यू लिख लो, अगर आप चाहते नहीं हो पूरी वैल्यू लिखना तो आप इन दोनों को सिंपल लिखो, जो आंसर आपका आ रहा है 3.01 वो लिख दो। सही है, पावर अगर आपकी चेंज आती है किसी सवाल में तो आप ये याद रखना कि बुक के आंसर में अगर पावर आपकी चेंज आएगी तो डेसिमल भी लाजमी आगे पीछे आएगा। आपको पिछले रूल में मैंने इससे लास्ट वीडियो मैंने साइंटिफिक नोटेशन की बताई थी, उसमें बता दिया डेसिमल आगे ले जाते हैं, पावर कम करते हैं, पीछे ले जाते हैं, पावर ऐड करते हैं। सही है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपके पास दो चीज़ें सवाल में निकल गई, एक की मॉलिक्यूल्स और मोल्स, तो दो आंसर आपके फाइंड हो गए CH2 के, आपने ये सॉल्व कर लिया। अब यही चीज मैं सॉल्व करूंगा सुक्रोज के लिए। सही है, तो ये मेरा पार्ट वन था, इसके सारे सॉल्यूशन हो गए। अब मैं पार्ट टू के लिए सॉल्यूशन करूंगा। पार्ट टू में मुझे नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल वही निकालने हैं, फॉर्मूले भी सेम लगेंगे, मेथड भी थोड़ा सा मेथड में भी फर्क नहीं होगा, वैल्यूज में फर्क होगा, मास अपॉन मोलर मास। अब हम किसका निकाल रहे हैं, लिख लेते हैं C12H22O11 सुक्रोज का निकाल रहे हैं। तो इसका पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का है 12 और 12 12 144, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आ जाएगा। 16 होता है ऑक्सीजन का, आपने 16 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, जब 16 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 176। इन सबको ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर में, 144, 22 और 176, 144 प्लस 22 प्लस 176 आपका आ गया 342। सही है, मैं 42 याद है ना, मैं कंफर्म कर लूँ, नज़र नहीं गई। 144 प्लस 22 प्लस 176 342। सही है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब सुक्रोज का जो मास दिया वो दिया 68.4, मॉलिक्यूलर मास इसका आया 342। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेटर में डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा वो आप मेंशन कर दोगे। सही, तो हमारे पास है 68.4 डिवाइडेड बाय 342, ये आ गया 0.2 मोल के आगे लिख देते हैं MOL। तो ये आपके पास पहला आंसर निकल गया सुक्रोज का मोल। अब आपने सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम फॉर्मूला जो पीछे लगा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एन ए। आपके पास स्मॉल एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की आई है 0.2, आपको एन ए की वैल्यू याद हो जानी चाहिए, नहीं याद तो आप पीछे से भी देख लो, सही डेटा में भी लिखी हमने। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, देखो कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02, 1.204, इनको मल्टीप्लाई किया, 10 की जो पावर है आपने एज इट इज लिख दी, ये आपकी आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है, बेहतर है, अच्छा तरीका है कि आप रिजल्ट की हेडिंग डालो। रिजल्ट क्या है आपका, सबसे पहले तो मोल्स एन, पहले आपने जो चीज़ें निकाली वो किसकी निकाली, कार्बन डाइसल्फेट CH2 के आपके पास मोल्स कितना है 0.4, मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.01 10^23। सही, फिर आपने निकाला सुक्रोज का C12H22O11, इसके लिए आपने निकाला मोल्स आपके पास 0.2 मोल है। सही, मॉलिक्यूल्स के आगे मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं और मोल्स के आगे मोल लिखते हैं। सही, इसके आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, कितना आए इसके 1.204 10^23 मॉलिक्यूल। सही, ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर वन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में आपको बोल रहा है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर सॉलिड NH4Cl CaOH2, इक्वेशन दे रहा है इन अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम। अब तक आपको सवाल के बारे में बता रहा था, अब दिया क्या है वो देखो, 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सॉलिड।
देखो ये दो सॉलिड है आपको बता दिया, सवाल में एक सॉलिड बताया था आपको शुरू में, NH4Cl CaO H2, दोनों सॉलिड के आपको मास बता रहा है ईच की वर्डिंग में, इसका मतलब हो गया ये वाला भी 100 है और ये वाला भी 100 है, सही है। आगे सवाल कंटिन्यू करता हूँ, डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट के मालूम करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास मालूम करना है NH3 गैस का। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल बुक एग्जाम्पल में भी मैंने डिटेल में समझाए थे, वापस समझा रहा हूँ, दोनों सवाल को अच्छे से देख लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, एग्जाम में ये सवाल इस तरह का आ जाता है और आता रहता है अक्सर बेशतर, सही है। डेटा की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, तो सवाल में दिया है ईच के मास, इसका मतलब दोनों को लिखेंगे अलग से, मास ऑफ NH4Cl 100 ग्राम, फिर मास दिया हुआ है सेकेंड का मास ऑफ CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी 100 ग्राम हो गया, सही है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन की पहचान ही यही है कि दोनों रिएक्टेंट के मास आपको गिवन होंगे सवाल में, वही सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट में होगा, जब दोनों के नहीं देगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का होगा भी नहीं। आगे आ जाता हूँ, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूछा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन बना रहा है इन दोनों में से, और बोल रहा है मास ऑफ NH3 अमोनिया, NH3 होता है, इसका आपको मास पूछ रहा है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं सवाल के, अब मैंने आपको बताया जब भी सॉल्यूशन करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट मास मास इस तरह के केमिकल रिएक्शन वाले सवाल में, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो 2NH4Cl प्लस CaOH2 आगे 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस आगे हमें दिया हुआ है 2H2O, पहले केमिकल इक्वेशन लिखी, उसके बाद सवाल में आपको NH3Cl का NH4Cl2 मास दिया हुआ है, CaOH2 का मास दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका मास है और लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ रहा है, तो बाकी जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू बचती है वो आपके लिए कोई काम की नहीं है। तो आपने जो तीन मैंने वैल्यू हाईलाइट की है आपने उन तीनों से सॉल्यूशन करना है, बाकी को आपने छोड़ देना है। अब आपने पहले तो मोलर मास निकालने लिखा 2, अमोनिया N का होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है 4 हो गया, Cl का होता है 35.5, आगे आ जाते हैं CA कैल्शियम का 40। अब यहाँ 2 का मतलब है ये 2 इसके साथ भी ये है और इसके साथ भी, दोनों के साथ है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होके 32 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 2 2 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं पहले, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 3 3। अब आपने कैलकुलेटर में इस पूरे को चाहो तो एक साथ लिख लो, नहीं तो मैं देखो आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर में कैसे करोगे आप, पहले प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे, 14 प्लस 4 प्लस 35.5, ये किया, जो आंसर आ जाएगा उसको आपने उसी वक्त मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देना, तो ये आ गया 107, तो आपने लिख दिया 107, इन सबको आपने प्लस करना है तो 40 70 72 और ये 74, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 प्लस 3 17, 17 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 34 आ जाएगा। तीनों के मास हमारे निकल गए, मोलर मास निकाले हैं इसलिए सबके साथ आप लिख दोगे GM ग्राम, हो गया। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है आपने स्टेप ये याद रखना है कि दोनों रिएक्टेंट के मास से आप NH3 का मास निकालोगे, वो चीज़ जो आपको सवाल में पूछी जाएगी आप उसका मास पहले NH4Cl के जरिए कैलकुलेट करोगे, फिर CaOH2 के जरिए भी कैलकुलेट करोगे, सही है। दोनों को कैलकुलेट करता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग बना लेता हूँ, मेरे को मालूम करना है NH4Cl और NH3 के बीच में, पहले इन दोनों की एडिंग लिए, देखो मैंने एरो जैसे बनाया, दूसरा एरो मैंने बनाया CaOH2 और NH3 पर, नंबर जो शुरू के होते हैं ना वो नहीं लिखते, दोनों की हेडिंग मिला रही, अब दोनों को सॉल्व करो, आपके पास सामने सामने जगह हो रजिस्टर में कॉपी में तो सामने लिखो, ना जगह हो तो आप एक के नीचे एक कर लेना, सही है। आपको स्टेप समझ आएगा कितनी जगह आपको छोड़नी है। अब मैं यहाँ पे मोलर मास से पहले शुरू करूंगा, NH4Cl का देखो मैंने नीचे निकाला है 107,
NH3 का मैंने कैलकुलेट किया आया 34, सही है? नीचे आ जाता हूँ और अब मेरे पास सवाल में NH4Cl का देखो डेटा में जो मास दिया वो 100 दिया हुआ है और हमें NH3 का निकालना है, इसलिए X ले लिया। यही स्टेप यहाँ पर भी, CaOH2 का मोलर मास 74 और इसका 34, तो यहाँ लिखा 74 34। सवाल में डेटा के अंदर CaOH का मास दिया 100 और ये कैलकुलेट करना है X, सही है? आगे आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। अब इस तरह से जब भी लिख लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 107 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है X से, तो ये डायरेक्ट लिख दोगे 107X। उसके बाद 100 को और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आप स्टेप लिखना चाहो या डायरेक्ट करो आपकी मर्जी है। आपको X फाइंड करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 107। अब पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में आप लिखोगे, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे, तो आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइडेड बाय 107 आपने कर दिया 31.775। पॉइंट के बाद दो नंबर या तीन नंबर लिख लो, तो मैं अगर दो लिखूंगा तो राउंड ऑफ कर लूंगा, तो 31.78 लिखूंगा, सही है? 31.78। पॉइंट के बाद अगर एक दो नंबर चेंज आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये X निकाला, एमोनिया के नीचे X लिखा था ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मास ऑफ NH3 कितना आया, 31.78। और ये मास किसकी मदद से आया, NH4Cl, तो आप यहाँ नीचे भी लिख दोगे बाय NH4Cl, सही है? ये आपने लिखा। आगे करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 74 को X से मल्टीप्लाई करेंगे 74X, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखो तो 3400 भी आ जाता है, नहीं? और इस स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आपको जैसे इजी लगे वैसे करो, कोई गलती नहीं है इसको, जिस भी तरीके से आप कर लेते हो। 3400 डिवाइडेड बाय 74 आप करोगे, तो आप 3400 डिवाइडेड बाय किया 74, आंसर आया 45.945। तो मतलब 94 के बाद 5 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 95 कर दूंगा, 45.95, ये लिखूंगा 45.95। मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। अब मैंने क्या निकाला, इस बार भी अमोनिया का मास देखो, X के ऊपर वाली हेडिंग देख लोगे तो समझ आ जाएगा। काम साफ सुथरा करने में आसानी यही होती है कि समझ अच्छे से आ जाता है। यहाँ भी हमारा अमोनिया का मास आया, इस बार आया 45.95 ग्राम आया। अगर मैं बात करूं कि मास आया किससे, सामने नजर आ रहा है, बाय CaOH2 से आया, सही है? अब दोनों मास को अगर आप नोट करो तो एक मास 31 पॉइंट आ रहा है, दूसरा मास 45.1 आ रहा है। हमारा मास लीस्ट आया यहाँ पर, जो हमारा लीस्ट मास आता है जिसकी वजह से आता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इसका मतलब लीस्ट मास हमारा NH4Cl के जरिए आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा बनेगा NH4Cl। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले के साथ ही आता है, तो मास ऑफ NH3 क्या आएगा, 31.78 ग्राम। तो ये हमारे दो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के, सही है? तो ये आपके आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 2 से, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इस सवाल में भी देखो इसी तरह का सवाल नजर आ रहा है, पूरा पढ़ते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो कैसी लग रही है तो लाइक कमेंट करके बताएं जरूर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, इट प्रोड्यूस बाय अलाउइंग एल्युमिनियम रिएक्ट विद Cl2 एट 5650 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिकल इक्वेशन गिवन है, When 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन 650 ऑफ AlCl3 इज प्रोड्यूस, वॉट इज द परसेंटेज यील्ड। एग्जाम्पल में भी सवाल ऐसा कराया था, परसेंटेज यील्ड वगैरह वाला, तो इजी सवाल है। ऑलमोस्ट जो पीछे सवाल किया था वैसा ही पैटर्न है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमें दो दफ़ा सॉल्व करना पड़ता है, दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास निकालते हैं, इसके अंदर हमें एक का निकालना पड़ता है, ये फर्क हो जाता है। अब सवाल का डेटा कंप्लीट करते हैं, 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो मास ऑफ किसका गिवन है, एल्युमिनियम का लिखा, Al 160 ग्राम,
हमें मास दे रहा है 650 AlCl3 का मास दे रहा है, मास ऑफ AlCl3 1650 ग्राम, लेकिन ये जो मास हमें दे रहा है वो दे रहा है प्रोड्यूस हुआ हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब ये हमारी क्या है, एक्चुअल यील्ड है। इसको एक्चुअल यील्ड लिखो या प्रैक्टिकल यील्ड, बुक में इसके लिए प्रैक्टिकल यील्ड का वर्ड लिखा हुआ है, मैंने आपको दो तरीके से समझा दिया, आप इसको एक्चुअल यील्ड लिखो या प्रैक्टिकल। तो यहां पर आप मेंशन करोगे कि आपकी क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, सही है। आगे बढ़ते हैं, हमें सवाल में जो चीज फाइंड करनी है वो परसेंटेज यील्ड निकालनी है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के लिए आपके पास एक्चुअल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड के साथ साथ थियोरिटिकल यील्ड का होना जरूरी है। तो हम इस सवाल में पहले थियोरिटिकल यील्ड निकालेंगे, जैसे हम पीछे रिलेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। केमिकल इक्वेशन मेंशन करेंगे, 2Al प्लस 3Cl2, रिएक्शन से हमें फॉर्म हो रहा है 2AlCl3। हमें सवाल में एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है और यील्ड जो निकालनी है AlCl3 की निकालनी है, तो हम इन दो को यूटिलाइज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, सही है। तो मास भी इन दोनों का सॉल्व होगा, सिर्फ मोलर मास एल्युमिनियम का निकला, इन दोनों को करेंगे 54। यहाँ पर करेंगे तो 2 पहले बाहर लिख देंगे, एल्युमिनियम का होता है 27, क्लोरीन का 35.5 होता है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर आपने 35.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, ये आ रहा है 106.5 प्लस 106.5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 27 प्लस 106.5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, 267, तो ये आ गया 267। जिसका काम नहीं उसको लिखना भी नहीं है, हेडिंग बना देंगे, हमें एल्युमिनियम और AlCl3 ये दो चीज़ों में दिया हुआ है, एल्युमिनियम के मासेस दिए हुए हैं और इसमें से हमें मालूम करना है। एल्युमिनियम का हमने मोलर मास निकाला 54, यूनिट लिखते जाते हैं मोलर मास में ग्राम, 267। नीचे आ जाते हैं, एल्युमिनियम अब हमें क्या दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, AlCl3 हमें दिया हुआ है 200। अब ये AlCl3 हमें रिक्वायर्ड है, सही है, ये रहा, क्योंकि हमें यील्ड परसेंटेज निकालनी है, तो पहले हम निकालेंगे क्या, प्रैक्टिकल यील्ड, ओ थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड दी हुई है। 54 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 267 से। x की वैल्यू के लिए आपने करना है 160 मल्टीप्लाई बाय 267 डिवाइडेड बाय 54। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड कर देना है, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 267 देन डिवाइडेड बाय 54, आंसर क्या आ रहा है, 961.11, 961.11, सही है, ओ सॉरी 961 नहीं, क्या आ रहा था, 761 आ रहा था, सही है। अब अगर आप एक चीज नोट करो, पहले तो आंसर निकालने से पहले ही आगे, आपके पास जो प्रैक्टिकल ईयर मतलब परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट 650 ग्राम आया, जब आपने इसकी कैलकुलेशन यील्ड की 761 आया, तो लाजमी इन दोनों में फर्क आता है कि हम जितनी थियोरिटिकल बता रहे होते हैं उतनी प्रैक्टिकल में नहीं आती। अब परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो आगे फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज यील्ड का, तो परसेंटेज यील्ड उसका फॉर्मूला होता है कि प्रैक्टिकल यील्ड, जो प्रैक्टिकल यील्ड है आपकी, उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, थियोरेटिकल यील्ड से। ये जो आपकी x की वैल्यू आई, ये आपकी कहलाएगी थियोरेटिकल यील्ड, सही है, 100 से फिर मल्टीप्लाई। सॉल्यूशन करते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड आपकी दी है 650, थियोरेटिकल यील्ड आई है 761.11। कैलकुलेटर में आप पहले डिवाइड करो देन मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, आंसर दोनों ही सूरतों में सेम आना है, 650 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 761.11, ये आ गया 84.40, आंसर लिख देंगे 84.40, ये आपकी आ गई परसेंटेज यील्ड।
ये आपको सवाल में पूछा था, ये आपका आंसर है। परसेंट डिग्री को यूनिट सिर्फ ये होता है, सिंबल में परसेंट का साइन लगता है। तो ये आपके पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ खत्म हो गए। वीडियो बहुत बड़ी नहीं करनी मुझे, इसलिए यहाँ तक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ये वीडियो यहीं तक खत्म है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के आगे 4, 5, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और रह गए, उसको कंप्लीट करेंगे। सही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।